हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज तुम सुबह से जहाँ भी देख रहे होगे तुमको यही नज़र आ रहा होगा कि लियोनेल मेसी अब फ्री एजेंट हो चुके हैं। लियोनेल मेसी इज़ नो लॉन्गर अ FC बार्सिलोना प्लेयर, और ये बात सत्य है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बात सत्य है कि अब आज से लियोनेल मेसी FC बार्सिलोना के प्लेयर नहीं है। इसका मतलब ये है जो भी कॉन्ट्रैक्ट था लियोनेल मेसी और FC बार्सिलोना के बीच में वो एक्सपायर हो चुका है, और लियोनेल मेसी अब फ्री हैं किसी भी क्लब से दुनिया की बात करने के लिए अपने ट्रांसफ़र के लिए, और FC बार्सिलोना का उसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा। जैसे बार्सिलोना ने अभी फ्री ट्रांसफर्स करे ना मेम्फिस डीपाय, एरिक गार्सिया, सर्जियो कुन अगुएरो, वैसे ही अब लियोनेल मेसी भी एक फ्री ट्रांसफर हो चुके हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया की कोई भी क्लब में खेलने के लिए, और उसका एक भी रुपया FC बार्सिलोना को मिलेगा नहीं, और ये बात सत्य है। तो ये चीज़ पहली बार हुई है सिंस 2002 मेरे ख्याल से, कि 21 साल में लियोनेल मेसी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी भी फुटबॉल क्लब के साथ। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं अगर तुमको बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो बार्टोमेउ के अंदर 2020 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे, लियोनेल मेसी क्लब छोड़ के जाना चाहते थे, बार्टोमेउ ने उनको जाने नहीं दिया। और देखो आज बार्टोमेउ तो है नहीं क्लब में, जुआन लापोर्ता आ चुके हैं, और जुआन लापोर्ता ये कह रहे हैं कि मैं नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करके रखा हूँ लियोनेल मेसी के लिए जो अभी एक्सपायर हो गए। वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, बार्टोमेउ के एरा का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें लियोनेल मेसी इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वर्ल्ड के सबसे बड़े अर्नर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी हैं, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है वो जुआन लापोर्ता प्रिपेयर करके रखे हैं लियोनेल मेसी के लिए, लेकिन अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट में लियोनेल मेसी के सिग्नेचर्स नहीं हुए हैं। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि आज लियोनेल मेसी एक फ्री ट्रांसफर है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर तुमको लग रहा है कि लियोनेल मेसी सच में ऐसा करने वाले हैं कि वो किसी और क्लब के साथ जा करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने वाले हैं, तो भैया तुमने FC बार्सिलोना की हिस्ट्री को जाना नहीं है, तुमने लियोनेल मेसी को जाना नहीं है। बिकॉज अगर तुम लियोनेल मेसी के हाथ में चीरा मारोगे ना, तो केवल लाल खून नहीं, लाल खून के साथ नीला खून भी निकले। He bleeds in blue-grana colors, भाई साहब लियोनेल मेसी कहीं नहीं जाने वाले हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस कुछ ही चंद दिनों की बात है जहां उस नए कॉन्ट्रैक्ट में लियोनेल मेसी का साइन होगा। अब क्यों टाइम लग रहा है, क्यों ये दिन आने हमने दिया कि लियोनेल मेसी एक फ्री ट्रांसफर बन गए हैं, इसके पीछे दो तीन पहलू हैं। पहलू नंबर वन ये है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में नहीं है। लियोनेल मेसी जो है वो कोपा अमेरिका खेल रहे हैं अर्जेंटीना में, एंड उनका फुल फ्लेज फोकस है कोपा अमेरिका जीतना। अभी वो क्लब के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई एट दी एंड मेरे को बार्सिलोना में ही रुकना है, तो वो भी कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। नंबर टू ये सीन है कि क्या पता, ये मेरी थ्योरी है, क्या पता, जैसे तुमको पता लियोनेल मेसी दिन का बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते ना, एक दिन में ही बार्सिलोना बहुत पैसा देती है, तो दो चार दिन में पैसे नहीं देंगे लियोनेल मेसी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं लियोनेल मेसी का FC बार्सिलोना के साथ, तो कोई पैसा यहाँ लियोनेल मेसी को पे नहीं करने वाली है क्लब अभी दो चार पाँच छः दिन, जितने दिन तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, तो दो चार दिन पाँच छः दिन में पैसे बचाने वाली है क्लब अपनी, मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, जो लेजिट दूसरा रीज़न हो सकता है वो ये है कि भाई साहब सीन ये है कि हमारे क्लब की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम सभी जानते हो, बहुत खस्ता हालत है, FC बार्सिलोना के पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके कुछ डिटेल्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करना बचा है, जिसको ऑफकोर्स सॉल्व कर लिया जाएगा दोनों पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि हर जगह ये न्यूज़ छाई हुई है कि दोनों पार्टीज FC बार्सिलोना भी और लियोनेल मेसी भी दोनों नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, और वो चीज़ तुमको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, देखो फैब्रिजियो सर भी कह रहे हैं कि बार्सिलोना बोर्ड एंड मेसी कैंप फील कॉन्फिडेंट टू अनाउंस दी अग्रीमेंट अंटिल जून 2023 नेक्स्ट वीक, यानी अभी हो जाएगा अगले हफ्ते तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व आर वर्किंग टू फिक्स फाइनल डिटेल्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस, यानी कुछ चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट का यार, पैसे लेन देन वाली चीज़, उसके ऊपर जो है वो बात किया जा रहा है। अब तुम जानना चाहोगे कि भाई क्या चल रहा है, मतलब ये तो फैब्रिजियो कह रहा है ना, जुआन लापोर्ता क्या कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट है, तो जुआन लापोर्ता तो भाई मस्त डिनर विनर कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो जब अभी कैंप नाउ में ऑफिस में भी जा रहे थे तो एक जर्नलिस्ट उनको पकड़ के बोल रहा था कि क्या हुआ सर, आपको कोई मतलब टेंशन नहीं है, लियोनेल मेसी फ्री हो गए हैं, अब वो कहीं भी जा सकते हैं, तो जुआन लापोर्ता एकदम आराम से बोलते हैं काम डाउन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तेरा बाप यहाँ है, सब संभाल लेगा। तो जुआन लापोर्ता एकदम टेंशन ही ले रहे हैं, जिसका मतलब तुम समझ सकते हो सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होने वाला है, एंड लियोनेल मेसी तुमको ऑफकोर्स बार्सिलोना कलर्स में आगे भी देखने को मिलेंगे। और एक और यहाँ पे देखो, बार्सिलोना प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वी वॉन्ट लियोनेल मेसी टू स्टे एंड लियोनेल मेसी वॉन्ट्स टू स्टे, तो यानी दोनों पार्टीज जो है वो रुकना चाहती हैं एक दूसरे के साथ, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, सब चीज़ ट्रैक में है, बस
फाइनेंशियल फेयर प्ले का थोड़ा सा इशू है, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको जो है वो कंप्लीट करने को, और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाएगा। अभी फाइनेंशियल फेयर प्ले क्या है, तो तुमको अगर नहीं पता तो फीफा जो फुटबॉल की फेडरेशन है, जो ऑल अराउंड फुटबॉल को मैनेज करती है, हर एक क्लब के ऊपर नज़र बना के रखती है, उन्होंने एक थ्रेशहोल्ड लगा के रखा है। लालीगा भी अभी नए सीजन से एक थ्रेशहोल्ड लगा के रखी है कि क्लब अपने अर्निंग की इतनी ही लिमिट जो है वो प्लेयर को वेजेस में दे सकते हैं। अब ऐसी बात ना कि वेजेस तो तुम जान ही रहे हो एकदम स्काई रॉकेट है, तो बार्सिलोना अपने वेजेस को कम करना चाह रही है, बस उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम है, और वो जो है वो सॉल्व हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखो और भी कई सारे जो हैं वो रिपोर्ट्स निकल के आए हैं कि जो भी ये समझ रहा है कि भाई साहब मैसी कब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, वो मैन सिटी जा सकते हैं, पीएसजी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी एट बार्सिलोना एंड बार्सिलोना वॉन्ट्स हिम टू स्टे, ऐसा सीन है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीज़ बहुत एडवांस्ड में है, एकदम काम हो जाओ, मत टेंशन लो, मैसी कहीं नहीं जाने वाला है, ये चीज़ मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ। अब अगर मैं बात कर लूँ आने वाले कॉन्ट्रैक्ट की, लियोनेल मैसी को क्या कॉन्ट्रैक्ट दे रही है बार्सिलोना, तो मेरे ख्याल से अभी जितना समझ में आया है, लियोनेल मैसी को कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि वो 2 साल के लिए और एफसी बार्सिलोना में खेलेंगे। एफसी बार्सिलोना में 2 साल यानी ये वाला सीज़न 21-22 सीज़न एंड 22-23 सीज़न एफसी बार्सिलोना की तुमको वो जर्सी में नजर आएंगे, एंड आई रियली होप सो वहां वो क्या बोलते हैं ऑफ कोर्स यूसीएल उठाएं, एंड देन उसके बाद वो 3 साल एफसी बार्सिलोना के ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे यूएसए में। इसका साफ साफ मतलब ये है कि तुमको मैसी यूएसए में एमएलएस में इंटर मियामी में जो डेविड बेकहम की क्लब है वहां शायद खेलते हुए नजर आए। अब लोग ये सोच रहे हैं ग्लोबल एम्बेसडर क्या है, भाई बार्सिलोना के ग्लोबल एम्बेसडर मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि लियोनेल मैसी तुम ये कह सकते हो कि बहुत सिंपल शब्द में समझाऊं तो एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वाला जो काम होता है ना कि फेयर एंड लवली को प्रमोट कर रहे हैं एसआरके, वैसी लियोनेल मैसी प्रमोट करेंगे एफसी बार्सिलोना को वर्ल्ड स्टेज में, अमेरिका में खासकर। अब वो कैसे होता है, जैसे तुमने देखा होगा कई बार एफसी बार्सिलोना लेजेंड्स का मैच होता है, एफसी बार्सिलोना लेजेंड्स वर्सेस मैन यूनाइटेड लेजेंड्स का मैच हुआ था जिसमें रोनाल्डिनियो खेला था, रोनाल्डिनियो ग्लोबल एम्बेसडर हैं बार्सिलोना के, वैसे ही मैशेरानो भी हैं, वैसे ही बेलेटी भी हैं जो ब्राज़ीलियन है वो भी हैं, तो ऐसे मैसी भी अब जो है वो ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे अपना इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, 2 साल के बाद। वो तुमको हर एक जगह जहां भी बार्सिलोना का कुछ भी होगा ना, वो चाहे चैरिटी वाले मैचेस हो, वो चाहे ला स्कोला का कोई भी इवेंट हो या वगैरह वगैरह, उन सब जगह पे तो लियोनेल मैसी तुमको दिखेंगे। मतलब ही विल बी कनेक्टेड टू एफसी बार्सिलोना फॉर एवर, एंड वो तो तुमको जानते ही हो यार, मैसी और बार्सिलोना का एकदम फेविकॉल वाला रिश्ता है, तो मैसी कहीं नहीं जाने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑल द एक्सपायर हो चुकी है, वो अभी फ्री एजेंट है, बट आने वाले 2-4 दिन में, एक आध हफ्ते में जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लियोनेल मैसी इज गोना स्टे एट एफसी बार्सिलोना। अब इतने कॉन्फिडेंट तुम कैसे हो आशीष भाई, क्या है सीन है भाई? मैसी का अब दोस्त कुन अगवेरो आ चुका है, दोनों के बीच में बहुत सारे जो हैं वो तुमने देखे मूवमेंट्स चल रहे हैं, दोनों आज तक अभी तक अर्जेंटीना में अपना रूम शेयर करते हैं, इससे बड़ा हिंट क्या लोगे तुम? अगवेरो वहाँ चना खाने तो आए नहीं है बार्सिलोना अपना सैलरी कम करवाने के लिए, मैसी के साथ खेलने ही आया ऑफकोर्स। और मैसी भी जब बाटे में होता तो मैं शायद बहुत, मैं भी डरा हुआ रहता क्योंकि बाटे में के अंदर मैसी शायद ना रहना चाहता बार्सिलोना में, बट लापोर्ता सर आ चुके हैं, कॉप उठा चुके हैं, टीम बहुत स्टेबल नज़र आ रही है, यंगस्टर्स वाली टीम है, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट क्लियरली नज़र आ रहा है मेम्फिस डीपे के साथ, कुन अगवेरो के साथ, थोड़े एक आध दो डिफेंडर और साइन हो जाएंगे। लियोनेल मैसी इज़ गोना स्टे, दिस इज़ फॉर श्योर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, दिस इज आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, टेंशन मत लो, विस्कल बार सब बोलो और जाके मस्त चना मुर्रा खाओ, ठीक है, बाय।